मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज इस शिविर के प्रसंग पर प्रथम प्रवचन के रूप में हम प्रवचन सार के 47 नयों के विशिष्ट कुछ नयों की चर्चा कर चुके हैं और अभी इस द्वितीय प्रवचन में आप लोगों को प्राप्त सूचना अनुसार हम आचार्य कुंद कुंद और उनके ग्रंथ जिसमें मुख्य रूप से प्रवचन सार ग्रंथ उसकी चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कौन थे आचार्य कुंद कुंद स्वामी? कुंद कुंदाचार्य के संबंध में क्या जानते हैं आप? भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य, वे महान समर्थ आचार्य जिनका नाम इस समग्र जैन परंपरा में तीसरे नंबर पर स्मरण किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद यदि हम पूरी दिगंबर परंपरा में किसी दिगंबर संत को याद करते हैं तो वे थे आचार्य कुंद कुंद स्वामी। उनसे पहले भी कई आचार्य हो चुके थे, उनके बाद में भी अनगिनती आचार्य संत हुए। तो ऐसा क्या आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया कि हम उन सब को भूलकर अकेले कुंद कुंदाचार्य को याद करें? ऐसा कहा जाता है कि किसी एक बड़े चीज में बाकी सब छोटी चीजें समाहित हो जाती है। जगत में तो ऐसी कहावत है, हाथी के पांव में सब पांव समा जाते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इन वीतरागी संत अंतर्मग्न रहने वाले इन आचार्य कुंद कुंद में ही सारी दिगंबर परंपरा और समस्त संत समाहित हो गए। ये वे महान संत हैं जिन महान संत को हमने भगवान महावीर स्वामी से जोड़ा, भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद याद किया। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिगंबर परंपरा भगवान भगवत कुंद कुंदाचार्य देव से प्रारंभ होती है या कुंद कुंदाचार्य के नाम स्मरण से प्रारंभ होती है। इनका व्यक्तित्व और इनका कृतित्व ये बड़ा गजब रहा है। हम क्या महिमा गाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की। बचपन से ही माने पिछले 2000 वर्षों में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाले यदि कोई दिखाई देते हैं तो वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं। मात्र 11 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा ले ली थी आचार्य कुंद कुंद स्वामी। यद्यपि एक और आचार्य का हमारे यहाँ नाम मिलता है जिन्हें जिन सेनाचार्य के रूप में कहा जाता है, याद किया जाता है। उन्होंने तो लाइफ टाइम कपड़े ही नहीं पहने जन्म से। जिन सेनाचार्य ने जन्म से ही कपड़े नहीं पहने कभी, ऐसे आचार्य हुए हैं। तो बड़ा स्वरूप कैसा है कि बचपन में नंगे खेल रहे थे, फिर संघ के साथ में, फिर वो ऐसा गेम चल रहा था, उनको ले पूरी कहानी मैं सुनाना नहीं चाहता। मैं तो बात कर रहा हूँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के संदर्भ में। आप जानते हैं कितनी महिमा है इन कुंद कुंदाचार्य देव की, क्या महिमा है कुंद कुंदाचार्य देव की। आज यदि दिगंबर परंपरा से कुंद कुंदाचार्य को निकाल दिया जाए तो दिगंबर परंपरा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज वर्तमान में कुंद कुंदाचार्य के बाद में अभी तक जितने संत हुए हैं सब अपने आप को कुंद कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। कुंद कुंदाचार्य वे संत हैं, वे आचार्य हैं जिनका नाम प्रत्येक जैन प्रतिमा पर मिलेगा। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर अकेले आदिनाथ का नाम होगा, महावीर भगवान की प्रतिमा पर अकेले महावीर का नाम होगा, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ की भगवान की प्रतिमा के ऊपर अकेले शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का नाम होगा। लेकिन
अभी यदि इस एवरेज में यदि आप लगाओ तो आज की तारीख में जितने इस दुनिया में दिगंबर जैन मंदिर हैं, जितने तीर्थंकर की प्रतिमाएं जहां जहां विराजमान हैं, तो ऑन एन एवरेज भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा 1/24 एवरेज तो यही आएगा ना, कितनी प्रतिमाएं महावीर भगवान की होंगी, आदिनाथ भगवान की कितनी होगी, फिर अजितनाथ स्वामी की कितनी होगी, 1/24, क्योंकि अपन ने सब में बांट दिया, लगभग अपन ने समझ लिया ऐसा है। लेकिन सुनो, आचार्य कुंद कुंद तो वे आचार्य हैं जिनका नाम प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर मिलेगा, हर प्रतिमा के ऊपर ये लिखा हुआ मिलेगा, कुंद कुंद आमनाए, कुंद कुंद आचार्य की आमनाए में इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है। आप सोचिए वे क्या महान आचार्य रहे होंगे। साक्षात विदेश क्षेत्र जाने का गौरव जिन्हें प्राप्त था वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी है। अपने आचार्य परंपरा में दो मुनिराज ऐसे मिलते हैं जिनको विदेश क्षेत्र जाने संबंधी गौरव प्राप्त था, विदेश क्षेत्र गए थे साक्षात, वो विदेश क्षेत्र जहाँ सीमंदर भगवान मौजूद है, वो विदेश क्षेत्र जहाँ विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो विदेश क्षेत्र जहाँ चौथा काल वर्तता है, वर्तमान में चौथा काल वर्त रहा है, उस जगह पर जाकर के आए हैं कौन, देह सहित। मरने के बाद तो कोई जाए नहीं जाए वो एक अलग मैटर है, ये तो देह सहित शरीर के साथ में एक पूज्य पाद आचार्य जो सर्वार सिद्धि इष्टोपदेश समाधि तंत्र उनके जो रचयिता आचार्य हैं, वो कहते हैं उनका मूल नाम देवनंदी था, पैरों में कुछ ऐसा लेप कुछ लगाते थे, तो पूज्य थे पाद जिनके, पूज्य पाद नाम पड़ गया, वे विदेश क्षेत्र जाया करते थे आकाश मार्ग से। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बारे में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, देवसेन स्वामी ने लिखा इनके संबंध में, वो कहते हैं जय पौमनंदिनाहो सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेन न विमोही तो समणा कहम सुमग्गम पयानंती। क्या अर्थ है, वो कहते हैं कि यदि ये पद्मनंदी नाथ साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर वहां से ये माल लेकर के नहीं आए होते तो यहां भरत क्षेत्र के जीवों को मुक्ति का मार्ग कौन बताता। पद्मनंदी शब्द का प्रयोग किया है तो कुंद कुंद तो नहीं पद्मनंदी नाम के दूसरे आचार्य होंगे कि नहीं भैया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पांच नाम है, तीर्थ पार्थ दोनों से कह रहा हूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के कितने नाम, पांच। पहला नाम आप लोगों को पता है, किसी को जानते, पहला नाम कुंद कुंद, वैसे पद्मनंदी उनके बचपन का नाम था, फर्स्ट नाम पद्मनंदी, मूल नाम था पद्मनंदी, बचपन से ही उनको पद्मनंदी नाम से पुकारते थे, लेकिन वो कौंड कुंडपुर एक जगह है वहां उस गांव के रहने वाले थे, तो कौंड कुंडपुर गांव के निवासी होने से लोग उन्हें कुंद कुंड कहने लगे, कौंड कुंड तो वो कुंद 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 हो गए, वो कुंद कुंद के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। दो नाम हो गए, एक पद्मनंदी दूसरा कुंद कुंद आचार्य। अब क्या हुआ, दो के बाद में फिर कहते हैं कि ये जब कोई रिद्धि के प्रभाव से या पूर्व का कोई मित्र, न मालूम सच्चाई तो भगवान के ज्ञान में झलक रही है, जो भी हो, ये विदेश क्षेत्र गए, विदेश क्षेत्र में लोगों की हाइट होती है 500-500 धनुष की, 500 धनुष इतने, 500 धनुष, चार हाथ का एक धनुष होता है, ये एक हाथ है, ये इतना एक हाथ होता है प्रति भाई, ऐसे चार हाथ, तो चार हाथ का एक धनुष और ऐसे 500 धनुष, और मैंने कैलकुलेट करके लिखा उसको, पूरा कैलकुलेशन है, उस हिसाब से 500 धनुष का मतलब होता है 1.25 किलोमीटर, जनरल हाइट है वहां के लोगों की, विदेश क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों की नॉर्मल हाइट इतनी होती है, कोई 500 धनुष का है, कोई 125 धनुष का है, कोई 450 का है, कोई 595 धनुष का है, कोई 490 रफली इतना। अब कुंद कुंदाचार्य की हाइट कितनी थी, बोले वो तो हम जैसे हाइट वाले थे, कितने हाथ की, 3-4 हाथ की, 3-3.5 हाथ की हाइट वाले। अब ये वहां गए, अब वहां जाकर के दिव्य ध्वनि सुनी,
सिमंदर भगवान के समूह शरण में जाकर के बैठे, वहां जाकर के दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। तो वहां जो पास में थे कोई सज्जन, उन्होंने इनको छोटे से थे ना ये, उसे अपने हथेली पे उठा लिया और हथेली पे उठा लिया और सिमंदर भगवान से दिव्य ध्वनि कहती थी। तो प्रश्न पूछा, समूह शरण की ऐसी विशेषता होती है कि उसमें जो भी व्यक्ति जो भी प्रश्न पूछे उसको प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाता है, अपने आप जवाब मिल जाता है, समाधान हो जाता है। शंका हुई कि ये जो जीव है ना इलायची जैसा छोटा सा, इलायची कितनी सी होती है, क्या बोलते हैं अभी गुजराती में, एलची, एलची, तो एलची जैसा, गुजरात का जो एलची है ना इसी से नाम पड़ा है इलाचार्य, मतलब इलायची से तो इलायाचार्य कोई ऐसा कुछ होना चाहिए, एलची। तो ये एलची जैसे ये कौन है, ये उसने पूछा ऐसा हाथ में लेकर के समूह शरण में भगवान से। बोले अरे ये तो भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंदकुंद हैं। क्यों, अब कुंदकुंद तो भूल गए लोग, 8 दिन रहे वहां, अब वो छोटे से अब पता ही नहीं चले कहां घूम रहे फिर रहे, मालूम ही नहीं चले। तो लोग उनके बारे में चर्चा करते थे, वो इलायची जैसे आचार्य कहां है, वो एलाचार्य कहां है क्या। तो वहां उनका नाम पड़ गया एलाचार्य, एलाचार्य के नाम से लोग उन्हें पुकारने लगे। 8 दिन रहे वहां कुंदकुंदाचार्य देव, सिमंदर भगवान की वहां दिव्य ध्वनि सुनी और 8 दिन वहां दिव्य ध्वनि सुनकर 8 दिन तक निराहारी रहे, उपवास किया 8 दिन तक, भोजन ग्रहण नहीं किया, आहार ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया कि कई तरह की परिस्थितियां थी, एक तो परिस्थिति हाइट वाली, अब कोई व्यक्ति यदि उनको कुछ देवे अब इनके हाथ में डाले और इनके सर पर दिखते थे तो क्या क्या देवे, वो एक घास देवे तो एक घास तो इनकी साइज बराबर है वहां के लोगों का, तो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ये भी थी कि जब भरत क्षेत्र में दिन होता है तब विदेह क्षेत्र में रात्रि होती है, जब विदेह क्षेत्र में दिन होता है तो भरत क्षेत्र में रात्रि होती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा ली थी यहां भरत क्षेत्र में कि मैं प्रातः 10 बजे के आसपास आहारचर्या के लिए उठूंगा, यदि आहार का विकल्प आएगा तो क्या। अब जिस समय यहां 10 बजते हैं उस समय विदेह क्षेत्र में रात होती है, और जब विदेश क्षेत्र में दिन होता है कि तब तो ले ले आहार, कि तब इसलिए नहीं ले सकते हैं कि जहां हमने प्रतिज्ञा जिस समय की ली है वो समय मेल नहीं खा रहा है, उससे तो रात हो रही है, तो कैसे आहार ग्रहण कर सकते हैं। 8 दिन तक भोजन नहीं लिया, हम जैसे लोगों की बात अलग है, हम तो बाहर जाओ मान लो अमेरिका कैनेडा में, तो एडमंटन था मान लो, तो वहां तो रात को 11 बजे तक दिन रहता था। टोरंटो गया था 10 लक्षण में, उससे पहले टोरंटो से 4 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे 2.5 घंटे का उससे भी टाइम डिफरेंस है अलग। वहां एडमंटन में कितना, रात को 11 बजे दिन क्या। तो खाना कितने बजे खाते थे पंडित जी आप, हम तो 6 बजे ही खाते थे क्या? खाने का टाइम तो वही था, माने अपन तो उस टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर ले, आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो मुनिराज तो ऐसे कोई बात नहीं। खैर ये तो बात हुई, 3 नाम हो गए यहाँ तक, एक पद्मनंदी नाम हो गया, एक कुंदकुंद हो गया, और तीसरा क्या बतलाया भूल गया यार, पात क्या था बेटा, एलाचार्य, गुड याद है, अब याद दिलाना मेरे को, मैं भूल जाऊं तो, है ना, 3 हो गए। अब वहां से लौटते समय वापस लौट रहे थे उधर से, तो जब आ रहे थे तो मुनिराज के पास में क्या होता है हाथ में, पीछे और कमंडल। अब पीछे कमंडल वाले मुनिराज और वो वहां से आते समय वो तेज गति से आते हुए हाथ से पीछे छूट गई, और ऐसा कहा जाता है कि देव योग से सद्भाग्य से वो नीचे उतरे तो वहां उनको गिद्ध के पंख मिल गए, मयूर पीछे तो मिली नहीं। तो गिद्ध के पंखों से पीछे से उन्होंने उनका काम चलाया कुछ दिन कुछ समय, तो गिद्ध पिच आचार्य, गिद्ध पिच्छाचार्य, गिद्ध पिच, गिद्ध की पीछी से उन्होंने काम चलाया, इसलिए वे गिद्ध पिच आचार्य कहलाए। लेखन काम बहुत किया है इन्होंने आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, कुंदकुंदाचार्य ने खूब लिखा है, कहते हैं 84 पाहुड़ लिखे थे इन्होंने,
84 पाहुड़, पाहुड़ जानते हैं हम किसे कहते हैं? पाहुड़ कहते हैं एक ग्रंथ, समय पाहुड़, ये समय सार ग्रंथ का मूल नाम है प्राकृत में, समय पाभ्रत, समय पाहुड़। ऐसे 84 पाहुड़ लिखे थे इन्होंने। ओहो, उन 84 पाहुड़ों में से कुछ वर्षों पहले 6 अवेलेबल हो पाए थे तलाशने से, तो षट प्राभ्रत नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ। फिर 2 और मिल गए बाद में, तो अष्ट पाहुड़, 84 में से अष्ट पाहुड़ नाम है ग्रंथ का, 8 पाहुड़ मिले तो अष्ट पाहुड़ ग्रंथ उपलब्ध हुआ। अभी सुना जा रहा है कि 24 पाहुड़ उनके उपलब्ध हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। 10 भक्ति इन्होंने लिखी, पंच परमागम इन्होंने लिखे, बहुत लेखन कार्य किया। लेखन कार्य काफी लिखते हैं, समझे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो जब ज्यादा लॉन्ग टाइम ऐसे यदि लिखते रहो, इसी काम में लगे रहो, तो गर्दन थोड़ी सी उनकी तिरछी हो गई, वक्र ग्रीव गर्दन, वक्र ग्रीवाचार्य नाम पड़ गया उनका, लोग उन्हें वक्र ग्रीवाचार्य कहने लगे। 5 नाम हो गए धर्मेंद्र जी, क्या याद हुए कि नहीं? नहीं हुए तो पार्थ से पूछना, क्या इसको याद हो गए? पद्मनंदी, कुंद कुंद, एलाचार्य, गिद्ध पिच्छ आचार्य और वक्र ग्रीवाचार्य, ये 5 नाम हुए कुंद कुंदाचार्य के। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने लेखन की दृष्टि से आज भी समग्र जैन परंपरा पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ते हैं। जब समझ लीजिए किसी प्रसंग में कुंद कुंदाचार्य का नाम आ जाता है तो दूसरों की जबान बंद हो जाती है। जब हम कभी किसी बात के संबंध में रेफरेंस देते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ऐसा कहना है, उन्होंने ऐसा लिखा है, तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं। आज हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि कुंद कुंदाचार्य की बात तो हमारी आमनाए वो है, हमारी परंपरा वो है। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कहां से शुरू किया? मंगलम भगवान वीरो, भगवान वीर से शुरू किया। मंगलम गौतमो गणी, फिर गौतम गणधर, और मंगलम कुंद कुंदाद्यो, फिर कुंद कुंदाचार्य को स्मरण किया। माने कुंद कुंदाचार्य उनका लेखन कार्य जो हुआ है वो बहुत जबरदस्त हुआ है। मैं कुंद कुंदाचार्य के लेखन के संदर्भ में यदि आपको कुछ बताऊं तो मैं कह सकता हूं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आगम नहीं परमागम लिखे हैं। आगम नहीं, अरे आगम तो है ही, जो परमागम है वो क्या आगम से बाहर है क्या? ऐसा नहीं है, आगम ही है। आगम किसे कहते हैं और परमागम किसे कहते हैं, बोलो भाई, आगम किसे कहते हैं भैया? आगम, आगम नहीं जानते? अरे घबराते क्यों हो, कोई नंबर थोड़ी ना मिल रहे हैं, पास फेल कुछ नहीं होने वाला इस शिविर में, ऐसा नहीं है। वो शिविर में एग्जाम की कही थी शायद मैंने एक दिन पहले, कही थी ना, वो सेटिंग बैठी नहीं क्या? लेकिन अभी बातें ध्यान से सुनना, अभी के शिविर में बताए गए पढ़ाए गए विषय आगे कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? और चांस बैठ जाएगा तो कल ही रख ले एग्जाम, क्या भरोसा? ये बीच में मैं 15 मिनट का गैप देते हैं ना, वो 15 मिनट गैप नहीं रखें और आपको बोलो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, आगम किसे कहते हैं बताओ? बताया था मैंने एक दिन शायद यहाँ, 6 द्रव्य 7 तत्व और मनोरथी भाई कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, मैंने बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है। आ ग म 3 अक्षर है, नहीं भूल गए क्या? आ ग म आ आप्त, आ अरिहंत का सूचक है, अरिहंत भगवान, आ ग गणधर, म मुनि, क्या हुआ? आप्त के द्वारा कहा गया, माने अरहंतों के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया, इस परंपरा से जो चला आया है वो है आगम। क्या आप्त वचनम आगम है, ऐसा कहा जाता है। अरहंत परमात्मा, गणधर परमात्मा, मुनिराज, वीतरागी संत, उनके माध्यम से परंपरा से प्रवाह रूप से जो चली आई हुई बात है उसे आगम, आगम माने आना भी होता है, तो परंपरा से आया हो उसे भी आगम कहा जाता है। आगम लिखा जा रहा था। हमारे जैन परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है सम्यक? फर्स्ट ग्रंथ जो सबसे पहले लिखा गया, षट खंडागम।
षटखंड आगम, उसको षटखंड आगम क्यों कहते हैं? षट माने होता है सिक्स, खंड है जिस आगम के, उस आगम का नाम षटखंड आगम, षटखंड आगम ग्रंथ का नाम है, वो सबसे पहले लिखा गया। जिस समय षटखंडागम जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, कषाय पाहुड़ जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिस समय आगम ग्रंथों की रचना हो रही थी, जिस समय दिव्य ध्वनि की ऐसी बातें, जिन बातों में जैन भूगोल की चर्चा, ज्योग्राफी की चर्चा, गुणस्थान की चर्चा, मारणा स्थान की चर्चा, पर्याप्तियां, प्राण, जीव, समास आदि की चर्चाएं, ये कर्णानुयोग कर्मकांड की चर्चाएं, ये विस्तार से जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि कैसे कैसे कहां कहां परिभ्रमण करता है, प्ररूपणाओं की चर्चाएं, 20 प्ररूपणाओं की चर्चाएं, ऐसी बातें, कर्णानुयोग के जटिल विषय जिस समय लिखे जा रहे थे आगम ग्रंथों के रूप में, उस समय आचार्य कुंद देव ने सुनी सुनाई बात नहीं, अनुभव से निकली हुई बात, प्रयोजनभूत बात अपने ग्रंथों में लिखी। इसलिए उनके ग्रंथ आगम तो थे ही, लेकिन प्रयोजन की मुख्यता से लिखे गए होने के कारण परम आगम कहलाए। परम आगम, आगम में सुन सुन करके आने की मुख्यता है, आगम में चले आने की मुख्यता है, और परम आगम में अनुभव की मुख्यता है। जहां अनुभव की मुख्यता हो वो परम आगम है। उन्होंने अनुभव नहीं लिखा। देखो मैं यदि आपको थोड़ा बहुत एक टेलर दूं, मान लो समय सार ग्रंथ का, वो प्रवचन सार के बारे में चर्चा करूंगा थोड़ी सी, अभी समय सार ग्रंथ की बात करूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल समय सार में जीवा जीवाधिकार लिखा, कर्ता कर्माधिकार लिखा, पुण्य पाप अधिकार लिखा, आश्रव अधिकार लिखा, समझ लो अपसंवर अधिकार लिखा, निर्जर अधिकार, फिर बंद मोक्ष अधिकार लिखा। तो ये आश्रव अधिकार, बंद अधिकार, ये जो अधिकार लिखे हैं, इन अधिकारों में क्या हमारे को आश्रव की डिटेलिंग मिलेगी क्या? थोड़ी बहुत कुछ नहीं मिलेगी। मेरे को एक आर्टिकल लिखना है आश्रव के बारे में, 10-20-25 पेज का, तो कहाँ मिलेगा यार? आश्रव के बारे में कोई बतलाओ ना। तो एक व्यक्ति को जिसको सामान्य सी जानकारी थी, तो उसने फटाफट कह दिया कि यार एक आश्रव अधिकार हमने सुना है समय सार में, वहां से लिख लो। पूरा समय सार के अंदर आश्रव अधिकार देखा, आश्रव के प्रभेद ही नहीं मिले। सुन तो रखा था कि आश्रव के 57 भेद हैं, कि 57 क्या साथ भी नहीं थे उसमें, तो ये क्या हुआ? पूरा बंद अधिकार पढ़ लिया, और बंद की 148 कर्म प्रकृतियां, 120 प्रकृतियां कहीं चर्चा ही नहीं है। ये क्या लिखा है महाराज? बंद अधिकार लिख रहे हो आप? आपने क्या लिखा कि सुनो आश्रव अधिकार में भी लिखते हैं ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। हमें आश्रम के भेद प्रभेद नहीं समझाने, हमें तो ये बतलाना है कि ज्ञानी जी आश्रमों के काल में भी निराश्रम है क्या? संवर अधिकार लिखा, वेद विज्ञान की चर्चा की, निर्जरा अधिकार लिखा, निर्जरा कितने प्रकार की होती है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, कौन से गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों के निर्जरा होती है, बोले कुछ नहीं, ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी उसके निर्जरा होती है। बोले महाराज क्या कर रहे हो आप? बोले जो अनुभव कर रहा हूं उसको लिख रहा हूं। पुण्य पाप अधिकार लिखा, तो पुण्य पाप अधिकार में कि 100 प्रकृतियां पाप रूप और कितनी पुण्य 68 पुण्य प्रकृतियां, ये नहीं बतलाई उन्होंने, पूरा पुण्य पाप अधिकार लिख दिया, और उस पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप के भेद प्रभेद, पुण्य पाप की परिभाषाएं नहीं बतलाई। अरे पुण्य पाप अधिकार का प्रयोजन पुण्य और पाप को समझाना नहीं, तो क्या पुण्य और पाप को समझाना नहीं, पुण्य और पाप समान है ये बताना उनका प्रयोजन था। जी हार्ट है आचार्य गुरुकुल स्वामी का, तो क्या बताना चाहते हैं? हम पुण्य पाप नहीं समझाएंगे, हम तो क्या समझाएंगे, हम तो ये समझाएंगे भैया हमारे को तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो दोनों एक जैसे लगते हैं। अब ये पाप और पुण्य दोनों एक जैसे लगते हैं, ये फीलिंग की बात है, ये कहने की बात नहीं, ये पढ़ने पढ़ाने समझाने की बात नहीं है, ये फील करने की बात है, ये अंदर से अनुभव में आ रही है ये बात। ओहो राग की आग में झुलसता ही झुलसा ही रहा हूं मैं, उसमें बंधन में रहा हूं मैं, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। ऐसी चर्चाएं समय सार ग्रंथ में की। समय सार श्रद्धा प्रदान ग्रंथ है, प्रयोजन की दृष्टि से समय सार ग्रंथ में चर्चा की गई है। पंचास्तिकाय ग्रंथ, पंचास्तिकाय जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कुछ वस्तु स्वरूप को बतलाया है, वहां श्रद्धा की मुख्यता से बात हुई है,
प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञान की मुख्यता से बात हुई है। पंच अस्थिकाएं जानते हैं, छह द्रव्य जानते हैं बेटा, छह द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काम, छह द्रव्य। पंच अस्थिकाएं जानते हैं? नहीं जानते। इनमें जो लास्ट वाला था ना उसको कम कर दो, अब जो बच गए वो है पंच अस्थिकाएं, याद हो गए। काल को छोड़कर बाकी पांच द्रव्य वे पंचास्थिकाय कहलाते हैं। उनका और काल द्रव्य का भी वर्णन जिस ग्रंथ में है वो है पंचास्थिकाय नामक ग्रंथ। सब द्रव्यों की उन्होंने कॉमन चर्चा की है। दो ग्रंथ हो गए, एक समय सार, एक पंचास्थिकाय। अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद को यदि हम देखते हैं तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में उनके दर्शन एक प्रशासनिक के रूप में होते हुए दिखाई देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई देते हैं, उनका मैनेजमेंट दिखाई देता है उनका, क्या उनकी प्रताड़ना दिखाई देती है, मुनिराजों के ऊपर कितना कंट्रोल, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार, उनका सदाचारशील जो भी उनको लिखना था। और मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं आज वर्तमान युग में जितना शिथिलाचार कंट्रोल में है, नरवी जी जितना कंट्रोल है आज शिथिलाचार, वो पूरा का पूरा कुंदकुंदाचार्य की देन है। जिन कठोर शब्दों में उन्होंने प्रयोग किया है वहां अष्टपाहुड़ में, उन्हें देख करके लगता है भाई साहब हिल जाए व्यक्ति उन वाक्यों वचनों को पढ़ लेवे तो। मुनिराजों के लिए खुद मुनिराज वो लिखे वो कह सकते हैं, परिग्रहधारी मुनिराजों के लिए हाथ में कुछ भी है, कुछ भी यदवा तदवा जिनकी प्रवृत्ति होती है, अरे नारकियों जैसे, अरे नंगों की तरह घूम रहे, क्या क्या वचन उन्होंने लिखे उस जमाने में 2000 साल पहले अष्टपाहुड़ ग्रंथ में, बहुत कठोरता से, अरे नंगे हो गए तो नंगे होने का नाम मुनि थोड़ी है, नारकी भी नंगे होते हैं और पशु तो सारे नंगे होते हैं, हम मुनि मान लेंगे क्या उनको, ऐसा लिखा उन्होंने। नारकी त्रियन चादिक देह से सब नग्न हैं, तो सच्चे श्रमण कौन होते हैं कि जो भाव से नग्न है वो सच्चे मुनिराज होते हैं। तो फिर साहब नग्नता जरूरी नहीं है ना, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, बिना कपड़े उतरे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बिना मुनि बने तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यदि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो मुनि व्रत तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। दोनों तरह से एंगल से बात की है अष्टपाहुड़ ग्रंथ, आठ अलग अलग एंगल से चर्चा की है। दर्शन पाहुड़, श्रद्धा की महिमा गाई, फिर सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, ये सब अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट, तो बहुत गजब है उनमें सब में जो स्वरूप चित्रण किया है। तीन ग्रंथ हो गए, पहला कौन सा था, समय सार, फिर प्रवचन पंचास्थिकाय, दूसरा अपन ने पंचास्थिकाय की बात की, फिर अष्टपाहुड़ की बात की। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा नियम सार, नियम सार ग्रंथ में उन्होंने लास्ट गाथा में वो खुद लिखते हैं कि ये ग्रंथ किसी और के लिए नहीं है, मैं अपने आप के लिए लिख रहा हूं, अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं, एणीय भावना निमित्तम, अपने आप के लिए इस नियम सार ग्रंथ की रचना की है। और क्या अध्यात्म भरा है भाई साहब उस नियम सार ग्रंथ में, ओहो गजब है भाई उसकी जो अध्यात्म शैली है नियम सार ग्रंथ की, जो कारण परमात्मा की चर्चा है, जो कारण समय सार की चर्चा है, जो कारण शुद्ध पर्याय जो उसमें से निकल करके सामने आई है उभर करके, उसकी टीका में पद्म प्रमलधारी देव ने जो बातें निकाली है बड़ी गजब है, अद्भुत उसकी विषय वस्तु है। और ऐसे ऐसे उसमें नियम सार के लिए मैं गाथाएं अभी आपको उद्धृत करके बतलाऊं, ग्रंथ खोल खोल करके बतलाऊं, तो वो कहते हैं जैसे सिद्ध है वैसे संसारी है, ऐसी गाथाएं कहते हैं। बोले हे जीव तुझमें और मुक्त जीवों में कोई फर्क नहीं है, तू और परमात्मा एक जैसे ही है, आत्मा और परमात्मा दो नहीं होते, ये एक ही है, शक्ति अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से यदि देखो तो तुम्हारे में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, ऐसी चर्चाएं उस नियम सार ग्रंथ में बहुत बारीकी से आई है। अपना आत्म कल्याण चाहने वाले जीवों को एक बार नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय गहराई से अवश्य करना चाहिए। समय सार भी जो शैली है वो बड़ी अद्भुत शैली है, श्रद्धा प्रधान शैली है, प्रयोजन की अपेक्षा से बात की है, लेकिन हमें तो यहां चर्चा करनी है थोड़ी बहुत आज प्रवचन सार के संदर्भ में, थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं। कैसा है प्रवचन सार ग्रंथ, चौथे पांचवे ग्रंथ का नाम क्या होगा, प्रवचन सार, प्रवचन सार, अभी पूछेंगे आपसे, प्रवचन खत्म हो जाएगा ना सार पूछेंगे, क्या प्रवचन खत्म हो जाने के बाद में क्या पूछेंगे, सार माने क्या होता है, ब्रीफ में, ब्रीफ में उसका एक्सप्लेनेशन। तो प्रवचन वास्तव में कहलाता है दिव्य ध्वनि, प्रवचन, प्रवचन क्या चीज है,
तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को कहते हैं प्रवचन, प्रकृष्ट वचन। वो दिव्य ध्वनि कहलाता है, असली प्रवचन वो है जो तीर्थंकर परमात्माओं का होता है। अब उस तीर्थंकर परमात्माओं की जो वाणी है, जो दिव्य वचन है, जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि का सार मानो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जिस ग्रंथ में भर दिया हो, उसका नाम है प्रवचन सार। प्रवचन सारे साक्षात दिव्य ध्वनि का सार कहा जाता है। ये अपनी विषय वस्तु के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैंने जब ये 47 नए का प्रकरण यहाँ प्रारंभ किया था आपके नैरोबी में, उस दिन पहले दिन शायद ये बात कही थी, क्या विश्व की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, क्या सर, मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज, समझ लो आप यूरोपियन कंट्रीज में, सारे इधर इधर चले जाओ कहीं भी आप यूएस में, सारे जहां जहां आप देखोगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में, कहीं कहीं जैनोलॉजी डिपार्टमेंट है, कहीं फिलोसॉफी डिपार्टमेंट है, वहां जैन दर्शन के रूप में ये प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, रशिया में, जर्मनी में, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर के, 200-500 भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट होकर के इसको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा और पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ाया जाता है, उसका रीजन है इसकी विषय वस्तु, इसमें जो कंटेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवचन सार के। इस प्रवचन सार की विषय वस्तु को तीन मुख्य भागों में बांटा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, तीन चैप्टर इसके हो गए हैं। प्रवचन सार में तीन चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। क्या ये देखो, ये जो प्रवचन अपना जो है ना, ये अभी वाला, ये बीच वाला प्रवचन जो मैं, ये प्रवचन सार वाला ये चल रहा है, ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, तो इसमें तो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, अपने को पता लगे कि आखिर इसमें है क्या, हम क्यों पढ़ें प्रवचन सार। मैं कभी कभी ये भी कहता हूं कि सबसे पहले यदि इन पंच परमात्माओं में से कुछ पढ़ना हो, सबसे पहले तो प्रवचन सार पढ़ना, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना ऐसा, प्रवचन सार। प्रवचन सार तो हमने सुना है कठिन बहुत है, नहीं है कठिन, प्रवचन सार कठिन नहीं है, आपको लग रहा है बहुत सरल है, मैं तो प्रवचन सार पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ तो मेरे को इतना मजा आता है, इतना इजी है, हंसते हंसते निकले समय, ऐसा हंसते हंसते बीत जाए पूरा समय, ऐसा है प्रवचन सार का ये पूरा का पूरा मर्म रहस्य। तो तीन अधिकार कहे इसमें, पहले अधिकार का नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, पहले तत्व, पहले अधिकार का नाम, फिर दूसरे का नाम क्या है, हाँ थोड़ा और धीरे बोलो थोड़ा सा, है ना, पीछे जो लोग कोई किसी को नींद आ रही हो तो डिस्टर्ब नहीं। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पहला है, ज्ञान 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 जानने की ताकत, जानने की पावर, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरे अधिकार का नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय। और तीसरे का नाम है चरणानुयोग सूचक चूली का, चरणानुयोग सूचक चूली का मैं चारित्र। अरे इनके टीकाकार, एक अमृतचंद्राचार्य ने इस प्रवचन सार की टीका लिखी, एक जयसेनाचार्य ने इनकी टीका लिखी, अमृतचंद्राचार्य जब इनकी टीका लिखते हैं तो ये तीन नाम देते हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानुयोग सूचक चूली का। जयसेनाचार्य इनके नाम दूसरे देते हैं, वो कहते हैं सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। बोलते ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, बोले ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वस्तु व्यवस्था से सम्यक दर्शन का वर्णन है, सम्यक दर्शन अधिकार। और चरणानुयोग सूचक चूलिका में चूंकि चारित्र की बात है इसलिए सम्यक चारित्र अधिकार। नाम बदल दिए गाथाएं, वही है बात, तो वही है। और मैं एक अलग हटके बात कहूं क्या, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय माने देव शास्त्र गुरु की पूजा, ये मेरा चिंतन है। कैसे कि इसका जो पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में केवलियों की चर्चा की है, केवल ज्ञानियों की बात की है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में अनंत ज्ञान और अनंत सुख वगैरह की चर्चा की है, इसका मतलब देव की चर्चा हुई। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में चर्चा हुई है वस्तु व्यवस्था की, छह द्रव्यादि की, वो शास्त्र जनवाणी का सार है, वो शास्त्र है। और चरणानुयोग सूचक चूलिका में मुनिराजों की एक चर्चा है, तो देव शास्त्र और गुरु, ये देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा है,
और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा को समझे बिना तो सम्यक दर्शन हो सकता नहीं। चलो भाई क्या कहना चाहते हैं आप ये तो बताओ, पहले अधिकार की बात करते हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। प्रवचन सार ग्रंथ में टोटल गाथाएं हैं 275। कितनी गाथाएं प्रवचन सार में? थोड़ी थोड़ी सी जानकारी रखना, पता रही अपने को, हमने प्रवचन सार पढ़ा, पूरा प्रवचन सार पढ़ा दूंगा अभी। 275 गाथाएं ऐसे ऐसे पढ़ाता हूं मैं, तो ये 275 गाथाएं पढ़ाने के अंदर 5 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने में भी पढ़ा सकता हूँ और 60 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ। अब कितना टाइम बचा है उतने में भी पूरा कर सकता हूँ, क्या अपने हाथ की बात है साहब, ये तो क्या है, क्या बताना है और क्या समझाना है ये तो अपने को मालूम है ना। देखो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है पहला अधिकार। ये पहले अधिकार के भी पहले प्रवचन सार ग्रंथ जब लिखना प्रारंभ किया, प्रवचन सार ग्रंथ जहां से शुरू हुआ तो सबसे पहले किया मंगलाचरण। मंगलाचरण तो कंपलसरी होता है, मंगलाचरण लिखते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कुंद कुंदाचार्य देव का ये मंगलाचरण 5 गाथाओं का मंगलाचरण है। समय सार में 1 गाथा में मंगलाचरण किया, प्रवचन सार का मंगलाचरण 5 गाथाओं में किया, और इस बड़ी इतनी बड़ी सभा को जानकर के आश्चर्य होगा कि वो इस प्रवचन सार की इन 5 गाथाओं का मंगलाचरण ये तीर्थ को, ये सम्यक को, ये रुचि को, ये छोटे छोटे बच्चों को याद है। हाँ बोलो, इनको याद है ये 5 गाथाएं शुरू की स्टार्टिंग की प्रवचन सार की गाथाएं जो मंगलाचरण है, किसे याद किया? 2 लाइनें तो हम बोलते हैं, रोज बोल रहे हैं हम। इस सुरासुर मनु सिंध वंदिदम धोदिगायिकम विमलम प्रणमामि वड्यमानम तीर्थम धम्मस्कतारम। धर्म तीर्थ के कर्ता ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे विदेह क्षेत्र से, श्रेयस भाई विदेह क्षेत्र से दिव्य ध्वनि सुनकर के आए और सीमंदर भगवान से दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर के आए और यहाँ आकर के प्रवचन सार ग्रंथ की रचना की, और प्रवचन सार ग्रंथ को लिखते समय उन्होंने बुद्धि पूर्वक महावीर भगवान को याद किया। किस लिए महावीर भगवान को याद किया? इसलिए याद किया कि यदि मैं सीमंदर भगवान को याद करूंगा तो कोई व्यक्ति ऐसा न समझ ले अरे यार ये तो विदेशी माल है। अभी आप लोग तो यहाँ रहते हो इंडिया के बाहर क्या, लेकिन जो लोग इंडिया में रहते हैं आज विदेशी माल का कितना बहिष्कार कर रहे हैं लोग। विदेशी नहीं होना चाहिए, विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। तो कहीं ऐसा न हो जाए क्या कि लोग कहने लगे ये भारत क्षेत्र का माल नहीं है, ये तो विदेश क्षेत्र का माल है, हटाओ इसको क्या? हमें विदेश क्षेत्र का माल नहीं चाहिए, हम तो यहाँ की बात। ये विकल्प उनके दिमाग में होगा। दूसरा ये विकल्प हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं विदेश क्षेत्र जाकर के आया हूं, लोग मेरी महिमा बहुत गाने लग जाएं और जो वीतरागी मुनिराज हैं उन मुनिराजों की महिमा कुछ कम हो जाए। महिमा इसलिए नहीं है कि विदेश क्षेत्र, यार गजब यार विदेश क्षेत्र जाके आए हो, यार विदेश क्षेत्र जाकर के आए हो, लोग हमसे अरे यार आप विदेश में जाते हो यार, ऐसी बातें करते हैं लोग, अरे यार कितने सालों से जा रहे हो पंडित जी, कितनी जगह जाकर के आए हो, विदेश क्षेत्र फॉरेन रिटर्न। मैंने कहा सुन, मैं अकेला फॉरेन रिटर्न नहीं, मैं तो सिद्धेश्वर रिटर्न भी हूं। रिटर्न होने में क्या दम है? सिद्धेश्वर रिटर्न है कि नहीं? अपन लोग सिद्धेश्वर रिटर्न का मतलब जानते हैं आप? निगोदी बन करके कई बार हमने वहां सिद्धों के बीच में, सिद्धों के आसपास में जन्म लिया, सिद्धों के पास, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, सिद्धों के पास में जाकर आ गए, इसमें क्या दम है? कुछ दम नहीं है इसमें, लेकिन लोगों को महिमा आती है। तो जगत में लोगों को कुंद कुंदाचार्य की महिमा इसलिए नहीं आए कि वो विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे, उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं थी। माने किसी विद्वान की विद्वत्ता, किसी मुनिराज की महानता यदि इस आधार पर आकलन की जाने लगे कि विदेश क्षेत्र जाकर के आए हैं तो फिर सच्चे वीतरागी भावलिंगी संतों का, भरत क्षेत्र के मुनिराजों का क्या होगा? गलत हो जाएगी ना ये बात। तो
मुनिराजों का मुनि बना, मुनिराजों की पूज्यता, मुनिराजों के जो महिमा है वो तो उनके ज्ञान से है, उनके ध्यान से है, उनकी तपस्या से है, उनके आचरण से है, उनके छठे सातवें गुणस्थान से है, तीन कचाय चौकड़ी के अभाव से है। उनकी महिमा इस बात से थोड़ी नहीं कि विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे, ये बात कहना उचित नहीं लगा उनको, इसलिए उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया कि मैं विदेश क्षेत्र जाकर के आया था। लाइफ की इतनी बड़ी घटना और कहीं बीज भी नहीं रखे उन्होंने, कहीं बात नहीं गई। वो तो यदि समझ लो आप वो आचार्य नहीं कहते वो दो लाइनें तो नहीं पता लगता हमारे को। चलिए ये बात हुई मंगलाचरण की। 12 गाथा तक, 5 गाथा में तो मंगलाचरण हो गया, आगे छठी 7वीं गाथा में मर्म दे दिया, 12 गाथा में प्रवचन सार खत्म हो गया, 5 में मंगलाचरण और 7 और 12 गाथा में प्रवचन सार खत्म, आगे नहीं करेंगे तो बस 12 गाथाएं संक्षेप रुचि वालों के लिए। संक्षेप में सब बता दिया, सब पूर्ण, जैसे समय सार को 12 गाथा में कह दिया ना, ऐसे प्रवचन सार भी 12 गाथा में शुरू ही नहीं किया, बाद में तो फिर विस्तार से समझने वालों के लिए चर्चा की है। और 7वीं गाथा में पता है क्या बात कही है, उस चारित्र के गीत गाए हैं जिसके लिए सारी दुनिया कहती है चारित्तम खलु धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो, सुनी होगी लाइन आपने, चारित्रम खनु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है भाई साहब, चारित्र की बात। अरे तुम मुख्य मंडल वाले लोग ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो, थोड़े चारित्र की बात भी करो, थोड़े चारित्र की बात भी होनी चाहिए। चारित्रम खनु धम्मो हम जानते भी, चारित्रम खनु धम्मो हम भी जानते, हम भी पढ़ते हैं प्रवचन साहब, लिखा है हमें चारित्रम खनु धम्मो लिखा है, कौन सा चारित्र धर्म है बताओ, चारित्र धर्म है ना, चारित्र धर्म है, कौन से चारित्र को धर्म कहते हैं, क्या दिखता है आपको चारित्र कैसे, क्या दिखता है आपको, आपको क्या लगता है पंडित जी, चारित्र तो होना ही चाहिए, तो चारित्र माने क्या भाई, ये चारित्र ही चारित्र नजर आता है आपको, यहां साम्य भाव को चारित्र कहकर के पुकारा है, राग द्वेष रहित परिणाम को चारित्र कहकर के पुकारा है, वो है असली चारित्र, वो पकड़ो भाई साहब, वो नहीं समझ में आ रही है किसी। सम्यक दर्शन कहां होता है प्रति भाई, सम्यक दर्शन कहां होगा, प्लेस जगह, बाहर जगह नहीं, आत्मा में होगा ना, आत्मा की श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अंदर होता है भैया, मोक्ष मार्ग है। थोड़ा गहराई से सुनना, मैं जानता हूँ सुबह 6:30 बजे से बैठे हैं और कितने 11 बज गए हैं और अभी तो 12 बजाने हैं सबके, अरे सबके नहीं कर्मों के बजेंगे, तुम यदि श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो कर्मों के 12 बजेंगे। देखो 12 नहीं 12:30 तक चलेगा अपना, तो देखो क्या कह रहे हैं हम, सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, ज्ञान कहाँ होता है, इधर होता है कि इधर होता है, अंदर होता है। सम्यक दर्शन की चर्चा चलती तो समझ में आता है ना, सम्यक दर्शन अंदर में होगा, अंदर की चीज है, श्रद्धा की चीज है, भरोसे की चीज है, सम्यक ज्ञान की बात चलती तो समझ में आता है, नितिन भाई आत्मा में होता है, सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, और लेकिन जब चारित्र की चर्चा चलती है तो ऐसे दिखता है, नीचे से ऊपर तक ऐसे दिखता है, क्यों चारित्र कहां दिखता है आपको, बाहर में। जब सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, जब सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, तो सम्यक चारित्र भी आत्मा में ही होगा। सम्यक दर्शन दर्शन गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, तो सम्यक चारित्र भी चारित्र गुण की पर्याय है क्या। लेकिन जब भी चारित्र की चर्चा आती है तो अंदर नहीं दिखता, हमें शरीर दिखने लगता है, पंडित जी क्या खाते हैं, बोलो कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये दिखता है, इसे चारित्र समझते हैं हम, समय ये प्रवचन सार यदि ग्रंथ में चारित्रम खलु धम्मो के साथ उसकी व्याख्या नहीं की होती, नहीं बोला होता, तो हम शायद उस मर्म को नहीं समझ पाते, हमें नहीं समझ में आता क्या कहना चाहते हैं। खैर इस तरह की चर्चा करते हुए कुछ शुद्धोपयोग के गीत गाते हुए ये उन्होंने प्रारंभिक 12 गाथाओं में भूमिका बना दी, ऐसा समझ लो आप, प्रारंभिक 12 गाथाएं हो गई। फिर 13वीं गाथा से शुरू हुआ ये अधिकार, कौन सा अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। पहले अधिकार का नाम, अधिकार माने होता है चैप्टर, अधिकार माने चैप्टर की बात है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है प्रवचन सार का, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में 4 अंतराधिकार हैं, सब चैप्टर है। पहले अधिकार का नाम क्या था, ज्ञान तत्व, सबका ज्ञान सो गया
क्या? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। अब उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में गाथा है टोटल 92। कितनी गाथा है टोटल? 92 गाथाओं का ये पूरा महाअधिकार, ऐसा कहो इसको, अधिकार मत कहो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। अब इसमें छोटे छोटे से चार अधिकार, छोटे छोटे चार चैप्टर, जिनमें सबसे पहले चैप्टर का नाम शुद्धोपयोग अधिकार। सबसे पहले शुद्धोपयोग, 13 नंबर गाथा से शुरू हुआ, 20 नंबर गाथा तक चला। फर्स्ट अधिकार का नाम, फर्स्ट अधिकार महाअधिकार का पहला हिस्सा शुद्धोपयोग अधिकार, फिर लिखा ज्ञान अधिकार, फिर लिखा सुख अधिकार, और फिर लिखा शुभ परिणाम अधिकार। चार भाई, याद नहीं रखूंगे तो काम नहीं चलेगा। अब याद आप लोगों को रहेगा नहीं, तो याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। क्या करूं, काम तो है ना, मेरा ही काम है। तो पहला क्या था, भूलिया मैं नहीं, पहले महाअधिकार को बताओ, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में चार, चार में पहला शुद्धोपयोग, सबसे पहला शुद्धोपयोग, फिर अतिंद्रिय ज्ञान अधिकार, ज्ञान अधिकार, फिर सुख अधिकार। पहला था इनमें, इन चार में पहला शुद्धोपयोग, फिर ज्ञान, फिर सुख, और फिर शुभ परिणाम। चार हुए, कठिन तो नहीं, अभी बताऊंगा इनमें क्या क्या है। थोड़ा थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके, स्थिर करके सुनने का प्रयास करना। वो क्या होता है, क्योंकि जब ओवरडोज हो जाती है ना तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे अपन, मैं वैसे बहुत ऐसे हिल हिल करके बताऊंगा तो वो सब अंदर थोड़ा थोड़ा बैठता जाएगा, है ना, वो पछता जाएगा सब। चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा सा हिलते रहो, हिलते डुलते रहो, हिलते डुलते रहने में कई लाभ है। क्या वो तो नींद भी नहीं आती है? क्या नींद भी नहीं आती है? और कदाचित नींद आ भी जाए तो सामने वाला सोचता हिल रहा होगा तो कोई बात नहीं। तो अभी क्या हुआ, पहले का नाम क्या बतलाया, भूल गया फिर यार, याददाश्त करो। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग में क्या बात होगी? अरे शुद्धोपयोगी मुनिराज निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। शुद्धोपयोग, शुभोपयोगी मुनिराज को निर्वाण नहीं है, शुद्धोपयोगी को निर्वाण है। ऐसे शुद्धोपयोग के गीत गाए गए पहले शुद्धोपयोग अधिकार में, गाथा नंबर 13 से 20। खत्म, खत्म हो गया, बस आगे बढ़ो। 20 हो गई कि नहीं? 20 हो गई। अब आगे 21 नंबर गाथा से चालू हुआ सेकंड नंबर, उसका नाम क्या है? ज्ञान अधिकार। ज्ञान अधिकार में ज्ञायक भगवान आत्मा के गीत नहीं गाए हैं, ज्ञान अधिकार में ज्ञान स्वभाव के गीत नहीं गाए हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने स्वाध्यायी लोग हैं सब ज्ञान अधिकार नाम सुनते ही तुरंत बोल देंगे ज्ञान स्वभाव की चर्चा होगी, ज्ञान की जानने की चर्चा होगी। नहीं, ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान की चर्चा है, केवल ज्ञान की चर्चा है, अतिंद्रिय ज्ञान की चर्चा है। और क्या प्रकरण आ गए हैं भाई साहब उस ज्ञान अधिकार के अंदर। कहां से शुरू हुआ, 21 नंबर गाथा से 52 नंबर गाथा तक, 51 से लेकर 52 तक, ये सेकंड वाला ज्ञान, केवल ज्ञान की चर्चा। और ये इस 52 नंबर गाथा तक के बीच में जो गाथाएं आई है, क्या क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप निखर करके सामने आया है, उभर करके सामने आया है, गजबी स्वरूप है भाई। माने पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। माने ऐसे ज्ञान ज्ञान की चर्चाएं की है, माने आत्मा और ज्ञान की चर्चा, सर्वगत पने की चर्चा, अभी 21 नंबर गाथा, 22 नंबर गाथा, 23 नंबर गाथा में चर्चा आई। आदाणाण प्रमाणम नाणम ने अपमाणम दिग्धम ऋणेयम लोया लोयम तमहाणाणम तु समयम। यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ये प्रमाण है, लोकालोक को जाने, सारे लोकालोक को जाने, भूतकाल की भी सारी पर्यायों को जाने, भविष्यकाल की भी सारी पर्यायों को जाने, ये केवल ज्ञान का स्वरूप इस ज्ञान अधिकार में बतलाया। महाअधिकार नहीं, सेकंड, पहला था शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा था ज्ञान अधिकार में ज्ञान की चर्चा या केवल ज्ञान की चर्चा, केवल ज्ञान की चर्चा। और फिर उसमें केवली भगवान किस तरह से होते हैं, केवल ज्ञानी किस तरह से होते हैं, समझ लो। इसी में 46-45 नंबर गाथा वो आई है जिसमें चर्चा की है पुण्य फलार्हंता,
पुण्य के फल में अनंत परमात्मा होते हैं। ऐसी चर्चाएं भी बहुत उभर करके इसमें सामने आई। नंबर 3 पर आ जाओ आप। तो तीसरा नंबर सुख। सुख अधिकार के अंदर क्या बातें, सुख अधिकार में सुख की बातें, सुख अधिकार के अंदर चर्चा की है उन्होंने अतिंद्रिय सुख की। बोले यार ये केवल ज्ञान हमारे को हो भी जाएगा तो क्या मिलेगा, जान लो बस, अभी जानने से क्या मजा आएगा, जानने में क्या है। बोले नहीं नहीं, यदि आपको केवल ज्ञान हो जाएगा तो गेट वन वन फ्री, उसके साथ में एक और फ्री मिलेगा, तो केवल ज्ञान के साथ में ये अनंत सुख ये मुफ्त में मिलेगा। तो वो जो अनंत सुख है उस अनंत सुख की चर्चा की है सुख अधिकार में, जो चर्चा प्रारंभ हुई 53 नंबर की गाथा से और चलिए 68 नंबर गाथा तक। अतिंद्रिय सुख किस प्रकार का होता है, बड़े गजब के सुख सुख की महिमा और गीत गाते रहे। फिर चर्चा हुई कि साहब ये सुख और ये केवल ज्ञान और ये सब बातें कर रहे हो साहब, ये सब बातें ही बातों में हो गया साहब, हमारे लिए तो कुछ बतलाओ, हम तो संसारी गृहस्थ प्राणी हैं, हम लोगों के लिए तो कुछ थोड़ा सा मार्ग दूसरा बताओ ना, कुछ काम चल जाए। आपने जो ये लंबी चौड़ी बातें कह दी है भाई साहब, ये तो बहुत कठिन काम हो गया, क्योंकि कहां शुद्धोपयोग, बड़ी बड़ी बातें, कहां केवल ज्ञान, कहां अतिंद्रिय सुख, अनंत सुख, तो सब दूर के बाद। भाई साहब अपन तो छोटे लोग हैं, अपने छोटी बात बताओ। फिर भाई साहब शुभ परिणामों की चर्चा कर लो, तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने शुभ परिणाम बताना चालू कर दिया। चौथा अधिकार क्या था, कहां से चालू होगा, कहां से चालू होगा, 69 से कहां तक चलेगा, 92 तक। नंबर नंबर याद भले ही मत रखो, चार नाम तो याद रखना। तो शुभ परिणाम अधिकार में क्या चर्चा होगी, अरे यार मजा आ गया, शुभ परिणाम तो अपन तो शुभ परिणामों में अपना काल बीतता है, शुभ परिणाम की चर्चा करेंगे आचार्य कुंदकुंद स्वामी, मजा आ जाएगा साहब, आप तो शुभ परिणाम की बात करो, शुरू करो साहब आप तो बात, बताओ शुभ परिणाम के बारे में। तो पता है कहां से शुरू करते हैं, शुभ परिणाम अधिकार की पहली गाथा 69 नंबर गाथा से उन्होंने शुरू किया, और वहां उन्होंने बात बताना शुरू किया कि सुन कौन से शुभ परिणाम की बात कर रहा है, इस शुभ परिणाम से जो इंद्रिय जन्य सुख मिलता है ना, ये सुख नहीं है दुख है। सफरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम जम इंद्रिय लद्दम तम सौखम दुख में, इंद्रिय सुख सुख नहीं है दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, बेचैनी है, उसको ऐसी ऐसी चर्चाएं की उन्होंने। और ये जो पीछे जो गाथाएं कह दी इन्होंने सुखाधिकार और शुभ परिणाम अधिकार की जो गाथाएं हैं, ऐसी गाथाएं आई है कि साहब हमारे को तो देखो शुभ परिणामों के फल में स्वर्ग मिल जाता है, शुभ परिणामों के फल में देवगति मिल जाती है, शुभ परिणामों के फल में इंद्र बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है। आखिर महाराज थोड़ा सा आपने भगवान बनने का रास्ता तो बताया, थोड़ी देर के लिए हमारे को इंद्र बनने का रास्ता भी बता दो। इंद्र बनने का रास्ता नहीं बता सकते, शेर भाई कितने पैसे लगेंगे इंद्र बनने में आपके? अभी बहुत बढ़ गया है, अभी इंद्रों की कीमत बहुत बढ़ गई है, बहुत बहुत कीमत बढ़ गई इंद्रों की इंडिया में, मतलब समझ लो आप 51-51 लाख के बिना तो जाता ही नहीं है 100,000 में इंद्र नंबर वन। तो फिर बाद में तो पंच कल्याणकों में, और ये क्या चाहता है, नहीं नहीं ये तो नकली वालों की बात कर, असली असली तो पुण्य परिणामों से हो जाता है, वो चाहिए हमारे को। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा देखो नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दव दाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। क्या लिखा नहीं बात है, समझ में नहीं है, हिंदी प्रॉपर समझ में नहीं आती, हिंदी के छंद क्या समझ में आएंगे, सुनो मैं समझाता हूँ सरल हिंदी में समझाता हूँ भाई आप लोगों के लिए, क्या करूँ कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा कह रहे हैं, एक व्यक्ति ये कहता है पंडित जी मेरे को कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है मेरे को, क्या चार चार तो बॉडीगार्ड चलते हैं अपने साथ में, क्या दो बक्से दवाइयों के चलते हैं, तीन चार डॉक्टर साथ में रहते हैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्या कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं लगता,
ये बंदूक वाले चल रहे हैं मेरे साथ में, मेरे को काई को मौत का डर, ये डॉक्टर चल रहे हैं, दवाइयां चल रही है, कि सुन ते ये जो साथ में है ना, ये इस बात को सूचित करता है कि तू कितना डरपोक है। समझ में आ रहा है? इनकी उपस्थिति, इनकी सत्ता, इनकी मौजूदगी इस बात को बता रही है कि तुम्हारे को कितना मरने का डर है, ये इस बात को बता रहे हैं। और सुनो क्या कह रहा हूं मैं, ये गुंद गुंदाचार्य कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे को इंद्रों के पास में, राजा महाराजा चक्रवर्तियों के पास में भोग सामग्री दिखाई दे रही है, ये इस बात को सूचित करते हैं कि वे भोग भोगे बिना कितने दुखी हैं। नहीं समझ में आ रही बात? भोजन आया सामने, और सामने भोजन आने पर एक व्यक्ति उसके ऊपर टूट पड़ा, तो आपको क्या पता लग रहा है? क्या पता लग रहा है? भूखा था, भूख था भाई उसको, भूखा था वो, तब तो वो भोजन के ऊपर टूट पड़ा। तो पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने की प्रवृत्ति को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग दुखी हैं। इंद्र भी दुखी है, चक्रवर्ती भी दुखी है, अहमिंद्र भी दुखी है। यदि दुखी नहीं होते तो भोगों की तरफ प्रवृत्ति क्यों होती? कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है तो इसका क्या मतलब है? बीमार है। बीमार नहीं होता तो दवाई क्यों लेता? तो एक व्यक्ति भोग भोग रहा है, तो क्यों भोग रहा है भैया? कि भोगों की पीड़ा है इसलिए भोग रहा है, तो उपचार मात्र है ना। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भोग भोगने से वो पीड़ित है इस बात को सिद्ध किया कि नहीं नहीं साहब, हमें तो बहुत मजे में दिखाई देते हैं, बहुत आनंदित दिखाई देते हैं। तो पता है क्या एग्जाम्पल दिया कि उनका जो आनंद दिखाई देता है ना, वो आनंद इसी तरह का है कि गरम गरम खोलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में जब हम पूड़ी या समोसे डालते हैं, कचौरी डालते हैं, तो नाचती है वो क्या? ये पूड़ी उसमें नाचती हुई दिखाई देती है, कितना मजा आ रहा है उसमें, मजा आ रहा है कि? तो ये जो भोगों को भोगते हुए मस्त दिखाई देते हैं, ये पीड़ित हैं, ये आकुलित हैं, ये ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दिए उन्होंने। शुभ परिणाम अधिकार में ये चौथा अधिकार है, इस शुभ परिणाम अधिकार की 77 नंबर गाथा के अंदर वो कहते हैं, पुण्य और पाप दोनों समान है, जो नहीं मानता है उसका आनंद संसार में परिभ्रमण होता रहेगा, वे ऐसा कहते हैं। पुण्य और पाप दोनों एक समान है, 77 नंबर गाथा में। 79 नंबर गाथा में इसी शुभ परिणाम अधिकार की 79 नंबर गाथा में पहुंचते हुए वो कहते हैं, भाई साहब सुनो, इधर सुनो, ये जो शुभ भाव है ना, अटकाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, ये तो धूर्त अभिसारिका के समान है, ये तो बहुत भेष बना करके आया है, मायाचारी है, चल इसके चक्कर में उलझ मत जाना। ये शुभ परिणाम, ये पुण्य भाव के चक्कर में थोड़ा बहुत भी उलझ गया तो समझ लो भव दुख संकट निकट है, निगोद मिलने वाला है, अटकना मत इस शुभ भाव में, ऐसा 79 नंबर गाथा में कहते हैं। 80वीं गाथा में इनसे छूटने के उपाय की चर्चा शुरू की, 80 नंबर गाथा में। 80 नंबर गाथा के अंदर उन्होंने कह दिया, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानो, फिर अपने आत्मा को जानो, जो उनको जानेगा वो आत्मा को जान लेगा, उनके स्वरूप से अपने आत्मस्वरूप का मिलान करो, आत्मा को जानने का प्रयास करो, दर्शन वो नष्ट हो जाएगा। और फिर भी यदि नहीं हुआ तो 2-4 गाथा बाद में 86 में उन्होंने प्रकार अंतर से उपाय बतला दिया। 86 तक पहुंच के 92 है, अंतिम खत्म हो रहा है, ये अध्याय पूरा पूरा कर दिया है मैंने, क्या बताया उसमें उन्होंने। वो कहते हैं कि द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, क्या करो? दर्शन मोह को नष्ट करने के लिए यदि तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, साहब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे द्रव्य, कैसे गुण, कैसे पर्याय, कैसे जानूं अनंत भगवान को, अपने आप को कैसे जानूं, कुछ सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, तो कहा सुन, तू यदि दर्शन मोह को नष्ट करना चाहता है तो एक काम कर, स्वाध्याय कर, बस स्वाध्याय करना चाहिए। ये 86वीं गाथा में कह दिया, और मोह के चिन्ह बताते हुए 84 पीछे गाथा में, 2 गाथा पहले उसमें तो उन्होंने करुणा भाव को भी मोह में शामिल कर लिया, ये महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। तो ये पहला अधिकार अपन ने यहां संपन्न कर लिया, जिसका नाम क्या था? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। कितने अंतर अधिकार थे इसमें? 4 में से पहले का नाम
शुद्धोपयोग, दूसरे का नाम अतिंद्रिय ज्ञान अधिकार, तीसरे का नाम सुख अधिकार, चौथे का नाम शुभ परिणाम अधिकार। तो चार अंतर अधिकार पूर्वक ये पहला अधिकार समाप्त हुआ। अब दूसरा महाअधिकार, उसका नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अब ज्ञान तत्व में तो ये जो चर्चा हुई है, इंटरनल बातें हुई सारी, अब ज्ञेय तत्व में ज्ञान का विषय, उन ज्ञेयों की चर्चा होती है। अब ज्ञेय दो प्रकार के हैं, तो उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को तीन भागों में बांटा, सामान्य ज्ञेय तत्व, विशेष ज्ञेय तत्व और ज्ञान ज्ञेय विभाग। क्या कहा? पहले का नाम सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नाम है, सेकंड वाले का क्या नाम है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। क्या आप लोग चिंता मत करना, जिस समय पूरा होना है उसी समय होगा, है ना? जब होना है तभी होगा, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है ना? और मेरे हाथ में यदि आप मानते हो तो फिर ये मान करके चलना, जब तक चलाऊंगा तब तक चलेगा। देखो तो क्या कह रहा हूं, दूसरे अधिकार महाअधिकार का नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ज्ञेय की चर्चा है, लेकिन ज्ञेय है तीन, तीन तरह की बातें की, तीन अधिकार में बांट दिया इसको, सेकंड वाले को। सामान्य ज्ञेय, सामान्य ज्ञेय, सामान्य ज्ञेय अधिकार में उन्होंने चर्चा की सामान्य गुणों जैसी, जो सब द्रव्यों में कॉमन होगी ना, वो सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, सब द्रव्यों में कॉमन बात, वो समझ में आ गई क्या है उसका विषय वस्तु। फिर विशेष ज्ञेय, विशेष ज्ञेय में क्या चर्चा की, विशेष विशेष गुणों की चर्चा की, जीव में पर्टिकुलर क्या क्या है, पुद्गल में पर्टिकुलर क्या है, धर्म द्रव्य में क्या गुण होंगे, ये उनका स्पेशल बातें की है, ये विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। लेकिन कहा ये ज्ञान भी जान लिया, ज्ञेय भी जान लिया तुमने, और सामान्य ज्ञान भी, सामान्य ज्ञेय भी जान लिए और विशेष ज्ञेय तत्व भी जान लिया। अब बहुत महत्वपूर्ण, वो कहते हैं ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। तीसरे का नाम क्या दिया? ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान अलग है और ये अलग है, इन दोनों में भेद विज्ञान करो। ये भेद विज्ञान की चर्चा इस तीसरे अंतराधिकार के अंदर हुई है, भेद विज्ञान की चर्चा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसी बातें आई है सारी, भेद विज्ञान के लिए समर्पित ये तीसरा अंतराधिकार। तो ये दूसरा महाअधिकार जो 93 नंबर गाथा से शुरू हुआ, ये खत्म होगा 200 नंबर पर। क्या 200 नंबर गाथा के ऊपर खत्म हुआ? 108 गाथाएं हैं इसमें, पहले सामान्य ज्ञान की, फिर विशेष सामान्य ज्ञेय की, फिर विशेष ज्ञेय की, फिर ज्ञान ज्ञेय विभाग की। तो 200 नंबर गाथा तक ये सारा वर्णन हुआ, सामान्य विशेष रूप से 6 द्रव्यों की चर्चाएं इसमें ये करते रहे, ज्ञेय बतलाते रहे। फिर अब इसको जान करके क्या करें, तो फिर तीसरा महाअधिकार शुरू होगा, उसका नाम क्या है? चरणानुयोग सूचक चूलिका, आचरण की चर्चा है, चरणानुयोग की चर्चा है। 201 नंबर गाथा से शुरू हुआ, 275 नंबर गाथा तक चलेगा, और पहली गाथा देखो क्या गजब किया है उन्होंने आचार्य कुनकुन स्वामी ने, शुरू करते समय जहां स्टार्ट किया उन्होंने, पहली गाथा के अंदर मानो सिक्स मार दिया उन्होंने, क्या फर्स्ट बॉल पे। अभी तो मुनि बनने की बात शुरू करने, ये तो सोच रहा था क्या पढ़ा, सुन हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो पहले में पहले मुनि व्रत अंगीकार कर, खत्म। ये साहब पहले अनुव्रत दिला दो, पहले थोड़े छोटे छोटे से नियम दिला दो, रात्रि भोजन का त्याग करा दो, ये सुने बात ऊंची कर। क्या अच्छे बिजनेसमैन कौन होते हैं? बिजनेस करना सिखाया है। क्या मतलब बिजनेस करना सिखाया है? आपके यहां पर दुकान पर यदि कोई ग्राहक आए, धर्मेंद्र जी क्या करते हो, जॉब के बिजनेस, दुकान पर ग्राहक आए तो क्या करना कि सबसे पहले यदि आपकी साड़ियों की दुकान है क्या, तो आप महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी दिखाना, क्या पहले हल्की नहीं, नीचे से ऊपर मत चढ़ना, ऊपर से, फिर उसको जब वो अच्छी चीज दिखेगी क्या, फिर कि अच्छी तो लग रही है लेकिन क्या करूं दाम इतने नहीं है, समझे तो कोई बात नहीं, नहीं है तो, लेकिन दिमाग में तो दिखाती वो चीज क्या।
तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पहले में पहले ये बात दिखा दी कि हे जीव, दुखों से यदि मुक्त होना चाहता है, घर गृहस्थी में रह करके काम नहीं चलेगा, तेरे को मुनिव्रत अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष का मार्ग वहां से तेजी से दौड़ता है। अतिंद्रिय आनंद का अद्भुत रसास्वादन करते हैं। मणिराज कैसे बनते हैं, मणिराजों का क्या स्वरूप होता है, उनका जीवन चरित्र किस तरह का होता है, अतिंद्रिय आनंद की अस्थि की मस्ती में किस प्रकार से झूमते हैं, ये पूरा वर्णन उस प्रवचन सार ग्रंथ के उस तीसरे महाअधिकार के अंदर किया गया है। ये प्रवचन सार ग्रंथ पूरा का पूरा ग्रंथ वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादक है। गहराई से इसका अभ्यास करो, गहराई से पढ़ो, गहराई से सुनो, समझो। अपने विकार का कर्ता अपने को बतलाया गया है, अपने राग का कर्ता अपने आप को बतलाया गया है। बहुत अच्छी बात है कि मेरी भूल से अपराध हुआ है, मैं अपनी भूल को सुधार करके सुखी हो सकता हूँ। मैं दुखी यदि अपनी गलती से हूँ, अपनी गलती को सुधारूंगा और सुखी हो जाऊंगा। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में मैंने आपके बीच में ये आचार्य कुंदकुंद और प्रवचन सार ग्रंथ की थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ सामने रखी है। अभी अपने को एक घंटे और चर्चा करनी है एक तीसरे विषय के संदर्भ में। इस विषय को मैं यहीं विराम देता हूँ आगे नए विषय की चर्चा के लिए।